साकन, और फिर आहिस्ता 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 आहिस्ता, ये बात है, लेकिन जरा कद अच्छा था मेरा। फिर उसमें छोटे से एक दो तीन रोल किए, फिर उसके बाद मैंने एक पश्तो सीरियल, इनको एक प्ले किया सिंगल, फिर उसके बाद मैंने सीरियल की, और फिर अभी तक लगातार आप माशाल्लाह, लोगों के सामने मतलब आप नॉन स्टॉप लगी हुई है। हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह क्या हिम्मत है आपकी। हिम्मत है आपकी, सही बात है, हिम्मत है, क्योंकि हमने शोबिज देख लिया है इतने कम अरसे में, और आपने भी देख लिया, बड़ा टफ काम और है। एक दो प्रोग्राम्स करके भी हम कितना थक जाते हैं। एग्जैक्टली, बड़ा टफ काम है मैम, लेकिन ये बात है कि हम काम ना करें तो फिर थकते हैं। मतलब आप यूज टू हो गई हैं जी। हाँ, अब जब काम नहीं होता तो आप, हाँ हाँ ये बात है, अब फिर तंग होता है, बोरियत होती है कि यार अब क्यों, दो दिन हो गए, तीन दिन हो गए, ये हफ्ता हो गया, क्यों वैसे बैठे होंगे। वैसे ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि एक एक्टर जो है वो नॉन स्टॉप लगा रहे मीडिया, हाँ। क्योंकि कुछ हमारे ऐसे एक्टर्स होते हैं कि बीच में कहीं खो जाते हैं वो, फिर आ जाते हैं, लेकिन कोई बंदा नॉन स्टॉप लगा रहा है और बीच में कोई स्टॉप ना है, तो इट मीन्स कि उसमें कोई क्वालिटी है। ये बात है, मतलब बात यह ना कि काम को अगर सिंसियर तरीके से लिया जाए और करेक्टर को समझे, तो मैं कहती हूँ कि शायद क्या आप फारिग बैठ सकें। लेकिन मैं तो अपनी खैर खूबी नहीं कहती, लेकिन ये बात है कि मैं करेक्टर को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, प्रोड्यूसर से डिस्कस करती हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं कोशिश करती हूँ, अपने सीनियर से पूछती हूँ कि जितना अच्छा मैं करती हूँ उससे कहीं बेहतर मैं करूँ। बहुत अच्छी बात है, और मैं आपको बात बताऊँ नाजरीन, एक बात बड़ी मशहूर है शोबिज में कि स्क्रीन आपको कभी माफ नहीं करती है। तो अगर जो बंदा इतने अरसे से काम कर रहा है, इसका मतलब है वो बहुत टैलेंटेड है, और माशाल्लाह मैम के हवाले से तो हम सबको पता है कि शी इज वेरी टैलेंटेड। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं। तीसरे जो हमारे गेस्ट हैं जनाब, अब मेरे दिल वो तखनोल करता है, वो मतलब जब गुदगुदी हो रही है, तो गुदगुदी इसलिए हो रही है कि गुलाम अब्बास जिस तरह गाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गाते गाते वापस आएंगे और एक खूबसूरत सा सूफियाना कलाम आपको सुनाएंगे। सो डोंट गो अवे लेडीज एंड जेंटलमैन, बी विद अस इन दिस फैबुलस टीएनटी शो, वी विल बी बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। जी मैं दशना कहाँ जाऊं, पीकर में कहाँ जाना, मैं ना रहे मस्ताना, मैं शोखे रिंदाना, मैं ना रहे मस्ताना, मैं शोखे रिंदाना, मैं दशना कहाँ जाऊं, मैं दशना कहाँ जाऊं, बेकर में कहाँ जाना, मैं नारे मस्ताना, मैं शोखे रिंदाना, मैं नारे मस्ताना, मैं शोखे रिंदाना, मैं दशना कहाँ जाऊं, मैं दशना कहाँ जाऊं, पीकर में कहाँ जाना, मैं नारे मस्ताना, मैं शोके रिंदाना, कयामत हूँ, मैं अश्के नदामत हूँ, मैं सोज़े मोहब्बत हूँ, मैं एक कयामत हूँ, मैं अश्के नदामत हूँ, मैं गोहर एक दाना, मैं नारे मस्ताना, मैं शोखे रिंदाना, मैं नारे मस्ताना, मैं शोखे रिंदाना,
مجسم ہوں میں گیس برہم ہوں بابا بابا میں حسن مجسم ہوں میں گیس برہم ہوں میں پھول ہوں پھول ہوں پھول ہوں میں پھول ہوں شبنم ہوں میں پھول ہوں شبنم ہوں میں پھول ہوں شبنم ہوں میں جلوہ جانانا میں نعرہ مستانہ میں شوخ رندانہ میں نعرہ مستانہ میں شوخ رندانہ دامن لگیاں مولا میں تو تیریا مست و مست کلندر تو جینا محال جیس بھیلا میں تو تیریا میں تو تیریا دامن لگیا مولا میں تو تیریا میں نعرہ نارا نارا میں نعرہ نارا نارا میں نعرہ نارا نارا پرفارمنس بائی غلام عباس. آپ نے سنا ایک خوبصورت صوفیانہ کلام, اور جب اتنی خوبصورت آواز ہو تو اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. بہت اچھے غلام عباس, بہت اچھے. کیسے سنگر سٹارٹ کی بھائی آپ نے؟ سر سنگری تو میں نے جس ٹائم ماں کے پیٹ میں تھا اسی ٹائم سے شروع سنگری. شوق بچپن سے, کیونکہ میرا باپ ریاض کرتا تھا, ٹھیک ہے, اور میں سنتا تھا. زبردست, اس وجہ سے سنگری شروع ہے. سوال کا تو چارج سیکھ لیتا ہے نا بندہ. اب تو میں سے کہتے ہیں کس طرح شروع کدھر ہے, مطلب اس نے اسکول میں تو داخلہ نہیں لیتا نا کسی نے, تو بھائی تو پھر بھی مطلب پتہ تو چلے نا کہ وہ جو لیتے ہیں تو فارمی سنگر ہوتے ہیں. اچھا, یہ دیسی ہے؟ یہ دیسی ہے, فارمی سنگر نہیں ہے, یہ ڈیرانے سنگر ہے. مطلب اس طرح بھی نہ کہو. اچھا خلیل بھائی, کیسا لگا آپ کو؟ مزہ آیا بہت. He's nice song انہوں نے کہا ہے, اور بڑی اچھی پرفارمنس. میں تو مجھے تو خود وہ غزالہ جاوید بڑی پسند تھی. اچھا, اللہ پاک کے سانگز سنتا تھا, اللہ پاک ان کو جنت الفردوس دے, اور ان کی آواز بھی اچھی ہے, لیکن وہ میری فیوریٹ. اب غزالہ جاوید کی طرح تو ان کی شکل نہیں ہے, لیکن چلیں آواز تو اچھی ہے ان کی. اچھا سر ایک چیز بتائیے مجھے, آپ خود کبھی گنگنائے گنگناتے ہیں؟ کبھی آپ نے گانا گایا ہے؟ کبھی ویسے ہی مطلب کبھی شوق میں, کبھی ایسے ہی خیالوں میں, اپنے شو روم میں بیٹھے بیٹھے کبھی گنگنا دی, یا کسی کانفرنس میں جا رہے ہیں باہر کبھی گنگنانا شروع کر دیا؟ کیا گنگناتے ہیں؟ جب اکیلے ہوتا ہوں تو بہت گنگناتا ہوں. اچھا, تو کیا کیا گنگناتے ہیں ویسے؟ بس امی سے کافی اٹیچمنٹ ہے, والدہ سے تو, اور والد صاحب سے بھی ہیں, چونکہ وہ دونوں اب ان کی صحت بھی اتنی اچھی نہیں ہے, تو ان کے لیے دعائیں کر, اللہ انہیں صحت دے, اللہ انہیں صحت دے. اسی ٹائپ کا گنگناتا رہتا ہوں, اپنے لیے بھی دعائیں مانگتا ہوں. اچھا, دوستوں کے لیے بھی اور جتنے بھی میرے کزن وغیرہ عزیز. تو کیا کیا گنگناتے ہیں؟ بس چاہتا ہوں کہ جو بھی ان کے نیک خواہشات ہو دل میں, اور ان کو میں چاہتا ہوں کہ ہر انسان اگر کسی کے کام آ سکتا ہے تو یہ میرے خیال سے بیسٹ ہے, کہ اگر آپ کسی کے انسان کی بات کس طرح گول بول کر رہے ہیں آپ, میں گانے کی بات کر رہا ہوں, آپ دعاؤں کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, دعائیں اچھی چیز ہے, لیکن میں جس چیز کی طرف آ رہا ہوں نا, آپ سمجھ رہے ہیں, اپنے آپ کو مت بچائیں. تھوڑا سا گنگنا دے, کوئی گانا سنا دے, تھوڑا سا تھوڑا سا, کوئی بھی اچھا آپ کا فیورٹ گانا. یار مجھے تو خود, میں جب کالج میں ہوتا تھا تو یہ میں اور میرے دوست ہوتے تھے, بی بی شیرینی گانا کافی سنائے گھر سنائے گھر سنائے نا پیاری آواز. تو اب تو بی بی شیرینی بس یہی تھوڑا بہت آتا. نہیں, بی بی شیرینی ابھی بھی زندہ ہے, بوڑھی نہیں ہوئی.
आप सुना कर तो देखे जरा, फिर देखे कैसे आती है। बीबी शीरी ने जड़े गोले क्या छोड़ दिया आपने यार, अब खराब हो जाती है। अच्छा फिर खैर, तो पेट में दर्द होता है आपको पप्पू? ठीक है फिर खैर। मैम आप बताएं मौसीकी क्या सुनती हैं ज्यादा, क्या अच्छा लगता है आपको? मिक्स। मिक्स मतलब फिर भी? मैं जब टेंशन में ना हूँ, खफा ना हूँ, तो मैं बहुत अच्छे 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 गाने सुनती हूँ। शोर शराबे वाले। कौन सा मस्त सॉन्ग आपको पसंद है? एक तो नहीं है ना, काफी है। ये जिस टाइम वो गुनगुना रहे थे तो इनका फील हो रहा था कि भाई मौसीकी से इनको काफी लगाव है। बहुत मुझे बहुत बहुत ज्यादा मैं एंजॉय करती हूँ। और जब खफा होती हूँ तो या कोई परेशानी हो तो फिर साइड सॉन्ग काफी सुनती हूँ, लेकिन फिर वो मैं और भी उदास होती हूँ, फिर मैं अपने आप को एकदम चेंज कर देती हूँ। फिर वो भंगड़ा फिर से शुरू हो जाता है। आप उल्टा काम किया करें ना, जब मूड खराब होता है शोर शराबे वाले सॉन्ग सुना। नहीं मैं बड़ी एनर्जिक हो जाएंगी। अजीब सी मेरी आदत है ना कि मैं परेशान हूँ तो मुझे किसी की आवाज तक मुझे बुरी लगती है। आपको अपनी आवाज तो अच्छी लगती है ना? मैं बोलती नहीं हूँ फिर। गाती तो है ना? नहीं नहीं थोड़ा सा गाए, हम साथ गाएंगे। खैर कोई नहीं, आप यकीन करें। मैं थोड़ा सा अच्छा फेवरेट गाना बता दें, फेवरेट गाना बता दें, आप खुद गाना शुरू। मैं ज्यादा पश्तो सुनती हूँ, पश्तो बहुत ज्यादा सुनती हूँ, और पश्तो में सिंगर जो है मुझे नाज़ी इकबाल बहुत ज्यादा पसंद है। और ख्याल लाला मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और ज्यादातर फीमेल में मुझे बस नाजिया से आगे कुछ नहीं सकती। तो नाजिया का कौन सा सॉन्ग है जो आप कभी कभी सुनते हो? और नाजिया की काफी सॉन्ग है मैं सुनती हूँ। मैं मुझसे ये ना पूछे कि कौन सा सुनती हूँ, मैं बहुत ज्यादा सुनती हूँ, मुझे इस वक्त कुछ याद नहीं। लेकिन याद नहीं रहता। याद नहीं रहता। चले ख्याल मोहम्मद साहब का तो कोई गजल याद होगी, वो तो बड़े मशहूर है। नहीं मैंने आपको बताया ना कि मैं इस वक्त पता नहीं मुझे क्यों भूल गए हैं। चलो मुझे आपके डर की वजह से मुझे भूल गए। नहीं मैं अल्लाह ना करे मुझसे आप डरे। मुझे पता नहीं था आपकी शक्ल इतनी डरावनी है। नहीं नहीं माशाल्लाह डरावनी नहीं है, आप बहुत हैंडसम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, अल्लाह आपको खुश रखे। मैम आप दोनों से एक सवाल है, अगर आप खफा ना हो तो। आज आप बड़े चुप चुप हैं, खैरियत? नहीं मैं बोलता हूँ थोड़ी देर में। सवाल आ रहे हैं खलील भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है हमारी जिंदगी का, और वो है मोहब्बत, प्यार। बिजनेसमैन को भी तो प्यार होता होगा ना, ये तो नहीं है कि बिजनेसमैन के दिल में कोई सीने में दिल नहीं है। तो प्यार हुआ कभी? कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, किससे हुआ, ये हम नहीं पूछेंगे। हाँ ये नहीं पूछेंगे सर। जरा ये तो अगर कोई लाइफ में एक है कि किसी ने प्यार नहीं किया तो ये तो खैर झूठ होगा ना, ये तो खैर अब हो ही नहीं सकता। ऐसे हर स्टेज पे लाइफ के स्टेजेस के साथ जो भी आता गया बस प्यार होता गया। लगा देगा भाई। बहुत अच्छे सच बोला इन्होंने कि हर एक स्टेज पे कोई ना कोई आता गया। दिस इज ट्रू। तो क्या हुआ, दवाई आप नहीं लेते हो? हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम।